हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की जो क्लास है उसमें हम ज्ञान की तलवार श्रील प्रभुपाद की बुक पढ़ रहे हैं। इसका पीडीएफ अभी गौरी आप लोगों को सेंड कर दे रही है। जो हम लोग पढ़ रहे थे लेसन, हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, माया के मोह में फंसकर मनुष्य ने भगवान कृष्ण को भुला दिया है। कि माया में जब जीव आ जाता है तो वो कृष्ण के साथ जो अपना शाश्वत संबंध है उसको भूल जाता है और सारा इन्वेस्टमेंट वो शरीर में कर देता है। इसके कारण क्या होता है कि उसको दुख की प्राप्ति हो। तो इस जगत में बहुत से लोग जो है वो आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलते हैं। वो जानना चाहते हैं हम कौन है, है ना, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, इसका मेरे से क्या रिलेशन है और मुझे क्यों भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये सारी बातों को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार के पथ पर बहुत से लोग चलते हैं। ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, कर्मी होते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये भगवान के वास्तविक रूप को या वास्तविक स्वरूप को या वास्तविक रिलेशन क्या है भगवान का नहीं समझ पाते। जो भक्त होते हैं, क्योंकि ये भगवान के निर्देशन के अनुसार कार्य करते हैं, भगवान के सिद्धांतों को समझते हैं, इसलिए ये पूरी तरह भगवान का तत्वतः नॉलेज रखते हैं और ये जो कार्य करते हैं इससे इन्हें भगवत धाम प्राप्त होता है और इस जीवन में भी वो सुखी होते हैं। तो श्री प्रभुपाद इस टॉपिक में सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि इस संसार में सभी लोग जो हैं वो दुखों में फंसे हैं। और श्री प्रभुपाद ने कई जगह बताया है कि हम जेल में हैं, लेकिन आप देखिए भगवान ने हमें इतना सुंदर जेल दिया है कि वो चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। शरीर इतना सुंदर हमें शरीर दिया है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम जेल में है ना। आप किसी जेल में जाइए तो हमें सुविधाएं नहीं होंगी, हमें पता होता है ये जेल है, राइट राइट, समझ रहे हैं आप। लेकिन हमें जो जेल मिला है वो भगवान के द्वारा निर्मित है, वो शरीर है, है ना। और हमें पता ही नहीं है कि हमारी आत्मा जो है इसमें बंदी है। हम तो सोचते वी आर एंजॉयिंग। तो मनुष्य को पहले तो पता ही नहीं होता कि वो जेल में है, लेकिन जब वो भक्तों के संग में आता है तब उसको पता चलता है कि एक्चुअल में वो जेल में है और जिनके ऊपर उसने पूरी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, शरीर और शरीर से संबंधित लोगों के ऊपर, ये तो नाव डूबने वाली है। ये नाव तो डूबने वाली है, ये डेथ जब आएगा तो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू लीव। जो चीज को हमें शाश्वत में रखना है, जिससे रिलेशन बनाना है, उसमें तो हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। वह आत्मा और भगवान, इसमें तो हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। जब उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है तो क्योंकि इसकी ट्रेनिंग ही नहीं है तो क्या होता है, विवरण आ जाते हैं, लोग रोने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तरह तरह के अल्कोहल लेने लगते हैं और भगवान को नहीं तो कोसने लगते हैं, तुमने मुझे इतना दुख क्यों दिया। नॉलेज नहीं, क्योंकि आपने पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट किया। आपको मनुष्य जीवन दिया गया लेकिन कार्य क्या था, प्रभुपाद लिखते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में आप लगे रहे। ये तो पशु के कार्य, तो एनिमल्स के कार्य हैं। मनुष्य जीवन तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दिया गया था, वो तो आपने किया ही नहीं। तो द्विपाद पशु बन के हम रह गए हैं। मान लीजिए हमें बहुत अच्छी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है ना, किसी भी कंपनी का हमें जनरल मैनेजर बनाया गया, लेकिन हम काम जो है चपरासियों वाले करें। जनरल मैनेजर की जो सुविधाएं मिली है, गाड़ी मिला है, बंगला मिला है, सब कुछ है, है ना, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन काम जो है जो मालिक वाले वो नहीं कर रहे हैं। हम काम किसका कहते हैं, पियोन वाले कर रहे हैं। तो जो हमारे अथॉरिटी पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, आनंद प्रदा अथॉरिटी पर्सन क्या करेगी, बता देंगे हमें, कहेंगे नालायक सारी सुविधा मैंने प्रदान की तुम्हें और काम तुमको अगर चपरासी वाला ही करना तो जाओ चपरासी बन जाओ। पैसे तो पूरे लेंगे ना माता जी, पैसे तो पूरे पीएम बना दे। सुविधाएं दी है तुमको, सब कुछ दिया, लेकिन काम तुम चपरासी वाले कर रहे हो तो जाओ फिर वही चपरासी का ही काम करो। तो भाई मनुष्य शरीर पाकर अगर पशुओं वाले कार्य कर रहे हैं हम,
खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना या स्त्री संग करना, बस यही काम कर रहे हैं हाँ। और आत्म साक्षात्कार, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से बढ़कर इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो भाई पशु वाले काम करने तो फिर बन जाओ जाके, शेर चीता जानवर है ना, कुत्ता सुअर सब बनो ना, दिक्कत क्या है। मनुष्य शरीर क्यों चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में तुम्हें पाप लगेगा, पशु शरीर में तो पाप भी नहीं लगेगा ना। यू कैन गो, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं अगर पहले तो ये बात होती है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई थोड़ा सा ज्ञानी होता है तो वो कहाँ जाता है, वो सोचता है कि हमें बहुत दुख है इस दुनिया में, हमें क्या करना है, ब्रह्म में जाके लीन हो जाना। तो क्या होता है, फिर वापस आता है, क्योंकि उसको भगवत धाम का ज्ञान नहीं है, है ना। और कर्मी को क्या ज्ञान होता है कि हमें तो स्वर्ग जाना है, तो क्या करता है, अलग अलग सेक्रीफाइसेस करता रहता है, यहाँ पे अलग अलग व्रत करता रहता है, सकाम कर्म करता रहता है, कर्म कांड करता रहता है, और फिर क्या होता है, फिर वापस आता है। तो कर्मी, ज्ञानी और योगी, योगी जो है वो पर जो है वो सोचता है कि सिद्धियां प्राप्त करना है ना, ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ना। मैं किसी के मन की बात जान लू, मैं हवा में उड़ जाऊं, मैं छोटा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं सबको कंट्रोल कर लू, है ना, मैं पानी पर चल लू, मैं हाथ में उठा लू, लाइक दैट। ये सिद्धियां प्राप्त करना परमात्मा का, जो परम योगी लोग होते हैं उनका। प्रभुपाद लिखते हैं ये भी वापस आते हैं, ये भी वापस आते हैं, क्योंकि ये भी भगवत धाम नहीं जाते, ये ज्यादा से ज्यादा सत्य लोग तक जा सकते, लेकिन दे कैन कम बैक। तो 14 भुवन होते हैं, दे विल कम बैक। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जन्म कर चमे दिव्यम भूवेती तत्व तत्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुर। भक्त जो है वो जानता है कि कृष्ण का जो जन्म और कर्म है, भगवद गीता 4.9 में ये श्लोक बताएगा कि जब कोई भक्त है तब वो जानता है कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों क्या है, दिव्य होते हैं, और उनको हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो क्या होगा, जीव जो है वो भगवत धाम जाएगा, यहाँ पे भी सुखी रहेगा और भगवत धाम भी जाएगा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने घनिष्ठ मित्र नित्य पार्षद अर्जुन को भी बताते हैं कि बहुनानी में वेतातानी जन्मानी च अर्जुन ताहम वेद सर्वाण न त्वम वेद परम तप अज्योपि संयात्मा भूतानपि रूपी सनः प्रकृति स्वाधिष्ठाय संभाव्य मायाया। भगवद्गीता 4.5 and 6 ये श्लोक मैंने पढ़ा। इसे भगवान जो है वो बोलते हैं कि भाई सबसे पहले मैंने ये जो दिव्य ज्ञान अर्जुन को दे रहा हूँ ये मैंने सूर्य देव को दिया, फिर राजा जो सूर्य के राजा थे इक्ष्वाकु वंश, उनको ये ज्ञान मिला, इक्ष्वाकु राजा से फिर वंशावली आई, वंशावली से मनुष्य समाज में ये जो ज्ञान है आया। अर्जुन कहता है आपका जन्म तो अभी अभी हुआ, सूर्य तो सूर्यवंशी लोग तो हजारों साल, यानी रामचंद्र तो बहुत पहले हुए थे, तो आपने रामचंद्र के वंश को कब ज्ञान दे दिया। तो हमारा भी यही प्रश्न होता है कि कृष्ण तो द्वापर में आए थे तो ये भगवान कैसे, रामचंद्र जी पहले आए थे तो उनको भगवान होना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं एते चांस कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण भगवान है और वो लीला वश अवतार करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं, तो ये सब भगवान के एक्सपेंशन है, लेकिन कृष्ण जो है वो भगवान। बोलते अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए लेकिन तुम सब भूल गए हो मुझे याद, ये भगवान है, भगवान को सब याद है। हर एक जीव का फ्यूचर पास्ट एंड प्रेजेंट, वो भूमिका के बारे में भी जानते हैं, कीर्ति के बारे में भी जानते हैं, वो गौरी के भी बारे में जानते हैं, वो नरसिंह सुति के बारे में भी जानते हैं, वो आस्था के बारे में भी जानते हैं, मेरे बारे में भी जानते हैं, रविकांत पांडे जी के बारे में भी जानते हैं, तो सबके बारे में वो जानते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान के दुर्भाग्यवश लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नित्य लीला में प्रवेश पाने के लक्ष्य के प्रयास नहीं करते, ये लोग अभागे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये स्वर्ग जाना चाहते हैं या फिर भगवान में लीन हो जाते हैं। ये सारे लोग वापस आएंगे और अनेक दुखों को प्राप्त होंगे। इस जगत में 14 लोक होते हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम होता है, वो लोग भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तपोलोक, सत्य लोक और ब्रह्म, पृथ्वी बीच में होती है, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक होता है, स्वर्ग लोक के बाद जो होता है महर लोक होता है, फिर जन लोक होता है, फिर तपो लोक होता है, फिर सत्य लोक। इस पृथ्वी के ऊपर 7 है और पृथ्वी के नीचे 7 है, टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं। ऊपर जो होते हैं
छह प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं, देवी देवताओं के होते हैं, और जो नीचे पृथ्वी के होते हैं पाताल अतल वितल सुतल तलातल महाताल, ये लोग रहते हैं। अगले जन्म की बात बताई जाए, इस जीवन में भी जो लोग गवर्नर है, राष्ट्रपति है, सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन अगर वो मनुष्य जीवन के रूपी कार्य नहीं करते तो उनको अगला जन्म जो है वो पशु योनि का प्राप्त होगा। यानी प्राइम मिनिस्टर भी हो या बड़ा सभ्य बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भगवत भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको नीचे वापस आना होगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि आदि से निर्मित ये भौतिक शरीर नश्वर है। इसी तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना होने के कारण भौतिक ब्रह्मांड भी नश्वर है। तो यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में हम क्या करते हैं, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल शाखा, ये जो प्लैनेट है भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत का रेप्लिका है, उल्टा प्रतिबिंब है। इसकी जड़ें ऊपर है, ऐसा वृक्ष इसकी जड़ें ऊपर है लेकिन पत्तियां जो है वो नीचे है, ऐसा ये पेड़ है ना। ऐसा पेड़ हमें कहाँ दिखाई देता है, तट पर दिखाई देता है। आप नदी के तट पर जाइए तो क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है ना, पेड़ उल्टा दिखाई देता है। अगर आप परछाई में आम चाहेंगे तो आस्था मिल जाएगा, पेड़ की परछाई में आम आस्था, आम अगर आम का पेड़ है उसकी परछाई है पेड़ नदी में पड़ रही है तो आस्था गई और वहां पे परछाई पे डंडे मार रही है, आम मिलेगा आस्था? नहीं माता जी, हरे कृष्णा माता जी, नहीं, परछाई पे परछाई से कोई फर्क, फिजिकल अपीयरेंस पे फर्क थोड़ी होगा। अगर आपको आम लेना है तो क्या करना पड़ेगा, पेड़ पे चढ़ के तोड़ना पड़ेगा, असली पेड़ के पास जाना पड़ेगा फिर वहां पे तोड़ना, सिंपल सी बात है ना, समझ में आ गई आपको। लेकिन बड़े बड़े लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, हम यहाँ पे सुख की तलाश करते हैं, ये परछाई पकड़ते हैं, ये मेरे फादर है ये मुझे सुख देंगे, ये मेरे मदर है ये मुझे सुख देगा, ये मेरा शरीर है ये मुझे सुख देगा, ये तो प्रतिबिंब है। असली में फादर तो पीछे खड़े है कृष्णा, जब हम उनके पास जाएंगे तभी तो सुख मिलेगा। तो आस्था को ये बात समझ में आ गई, तो आस्था परछाई के पास नहीं जाएगी, आस्था भगवान के पास जाएगी, है ना। तो इसी तरह से हमें भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि परछाई से आम नहीं मिलेगा। अगर कोई पेड़ है उसकी छाया नदी में पड़ रही है, तुम छाया में ऐसे ऐसे हाथ करे तो हमें आम नहीं मिलेगा। अगर आम तोड़ना है तो हमें पेड़ को देखना पड़ेगा और पेड़ में से आम तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमको इस जगत से बाहर निकलना है तो यहाँ पे इतनी उलझन है ये, इसको सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इसको काट के निकल जाना चाहिए। भगवान कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को सलूशन बताते हैं, है ना। साइकोलॉजिस्ट जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने कितने सेमिनार्स होते हैं, है ना, क्या सलूशन ढूंढने के लिए। भगवान क्या कह रहे हैं, इस जगत का सलूशन तुम ढूंढ ही नहीं सकते, बहुत बहुत पेचीदा है, तो ढूंढने जाओगे तो माया में फंसे रहोगे। व्हाट कैन यू डू, कट द वृक्ष, ज्ञान की तलवार लो और काट दो, और क्या निकलो, यहाँ से निकलो और अपने घर वापस आओ। यहाँ पे कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो क्योंकि ये हमेशा अशाश्वत दुखा ले रहेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हिरण्यकश्यपु की तरह, इस व्यक्ति से यदि मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी या हो जाऊंगी, ये लड़की अगर मेरे जीवन में आ जाए तो बस मेरा जीवन धन्य है। ठीक है, वो लड़की आपके जीवन में आ गई तो फिर तो लड़ाइयां हो रही हैं फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं ताकि आप डाइवोर्स ना दे, है ना। फिर आप सोचते नहीं नहीं, अगर मैं ये जॉब कर लूं तो क्या होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, भूमिका है ना, ये वाली अगर जॉब मिल जाएगी तो मैं बिल्कुल, मतलब माता जी 100%। लेकिन क्या करे, हुई नहीं ना, मुझे ये वाली जॉब करनी पड़ी, इसीलिए सारी प्रॉब्लम। माता जी तब नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये छोटी वाली कम हो जाएंगी, बड़ी बड़ी और आ जाएंगी। तुम्हें समझना होगा, भगवान एकदम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, जिन्होंने ये क्रिएशन किया उन्होंने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया है,
ये दुनिया अशाश्वत है और दुखानी है। आप अपने बेस्ट हीरो से भी शादी कर लेंगे या हीरोइन से भी शादी कर लेंगे, ऐश्वर्या राय को भी घर में ले आएंगे, तो वो आपके लिए दुखाले हो जाएंगे, बाकी के लिए सुखाले रहेगी लेकिन आपके लिए दुखाले हो जाएंगे। इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ये कर लेंगे, ये वाली थेरेपी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग हमें प्रेम करने लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा यहाँ। इसलिए भक्त जो है कभी ठीक होने का प्रयास नहीं करते, निरंतर भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको मालूम है कुछ ठीक नहीं होने वाला, उनको पता है हर हाल में उनको भक्ति कर लेनी चाहिए। तो ये जो नॉलेज है, यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं, अभिषेक की बात करें, कपिल जैसे नास्तिक ज्ञानी दर्शन ने इस विराट सृष्टि का शोध करते हुए बहुत परिश्रम किया, अपनी सीमित बुद्धि से उसको जानने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक भौतिक जगत का अस्तित्व कहाँ है, इस जगत को किसने बनाया, वो नहीं पहुंच सका। और मनोकल्पना में वो गोते लगाते हुए निष्कर्ष पर पहुंचा कि परम सत्य निराकार। तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत से दार्शनिक हैं, हम जो जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, है ना, फिर हम क्या कहते हैं, कोई भगवान नहीं होता, हम ही भगवान है। माता जी, ज्यादातर लोग उनसे जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की अपनी टीचिंग करते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं देखो हम परमात्मा का अंश है, हम बताते हैं वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम अंश हैं, तो वो कहते हैं इस हिसाब से तो हम भी परमात्मा हुए ना। मैं नहीं धन्य है, मैं नहीं, हम नहीं समझा पाएंगे। मतलब हम एक दो घंटे समझाए और एंड में कंफ्यूजन ये निकलता है उनकी तरफ से, जो वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आपने तो बोला हम परमात्मा का अंश है, मतलब हम भी परमात्मा है। आपको बताना चाहिए कि मान लीजिए ये जो आपने टॉप्स कान का पहन के रखा है सोने का, और सोने की खान में जो सोना है, दोनों की क्वांटिटी में एक ही बराबर है। आप कहिए कि मेरे कान में जो सोना है ये ही पूरा खान है, तो गलत है ना माता जी। ज्यादा एक्सप्लेन करने लगे ना फिर कहते हैं अरे हो गया, हम मेरी समझ में नहीं आएगा ये सब, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो या हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो प्रभात भी तो यही कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं होते वो फिर दुनिया को सर्च करने निकलते हैं कि दुनिया किसने बनाई, भगवान कौन है, क्या रिलेशन है, तो वो इतनी बुद्धि लगाने के बाद ये कहते हैं भगवान या तो है ही नहीं, अगर है तो निराकार है, और नहीं तो हम ही भगवान है। इतना पढ़ने के बाद ये नॉलेज मिलता है। तो श्री प्रभात कहते हैं इसलिए हमें कर्मी ज्ञानी और योगियों से नॉलेज न लेके भगवत गीता जो कि भगवान ने कही है उनसे नॉलेज। तो माया के चंगुल में फंसने के कारण हम भगवान को भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम। यहाँ तक आज पढ़ते हैं पेज नंबर 83।